I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर कल से चर्चाओं में है और इसी बीच सोशल मीडिया पर सस्पेंस बना हुआ है। चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि पूनम पांडे जिंदा है। यही नहीं, उनके कई दोस्तों ने जो कि टेलीविजन सेलेब से दावा किया कि पूनम पांडे एक या दो दिन पहले उनसे मुलाकात की थी और उन्हें सर्वाइकल कैंसर है, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ पूनम पांडे की फैमिली मेंबर में से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ मुंबई के अंधेरी वेस्ट में पूनम पांडे मौजूद नहीं है, उनकी बहन श्रद्धा फोन नहीं उठा रही है। बॉलीवुड के तमाम बड़े क्रिटिक्स इस खबर पर खामोश हैं। फिर चाहे वो वायरल बयानी हो या मानव मिगलानी हो, हैरान करने वाली बात यह है कि नेशनल मीडिया को भी पूरी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सामने आया है पूनम पांडे का, जिसमें पूनम पांडे पूरी तरह का सच बताती हुई नजर आ रही है। इस बीच पूनम पांडे ने एक मैसेज शेयर किया है और वीडियो डालते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है कि आई फील कंपेल्ड टू शेयर समथिंग सिग्निफिकेंट विद यू ऑल। आई एम हियर अलाइव। सर्वाइकल कैंसर डिडंट क्लेम मी, बट ट्रेजिकली इट हैज क्लेम्ड दैट लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ वुमेन हु स्टेम्ड फ्रॉम अ लैक ऑफ नॉलेज ऑन हाउ टू टैकल दिस disease. Unlike some other cancer, cervical cancer is entirely preventable. The key lie in the HPV vaccination and earlier dedication test. We have the mean to ensure no one loses their life to their disease. Let's empower one another with critical awareness and ensure every woman is informed about the step to take. Visit the link into the bio to deliver deeper info what can be done. से अवेयरनेस करती हुई नजर आ रही हैं पूनम पांडे, और पूनम पांडे ने एक दिन में वो काम कर दिखाया है जो पिछले कई सालों में पूरा नेशनल मीडिया कर नहीं दिखा पाया। दरअसल उन्होंने मौत की झूठी खबर फैलाकर पूरे नेशनल मीडिया को सकते में डाल दिया और कल सारे दिन पूनम पांडे चर्चाओं में बनी रही, ट्रेंड में बनी रही। लेकिन इसी के जरिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश उन सभी महिलाओं और बच्चियों को दिया है जिन्हें 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच HPV का वायरस का वैक्सीनेशन डोज लगना चाहिए, जो कि सरकार ने घोषणा कर दी है अब लगाया जाएगा। हाल फिलहाल जहां एक तरफ पूनम पांडे ने अवेयरनेस की है और दूसरी तरफ अगर नेशनल मीडिया की बात की जाए तो नेशनल मीडिया ने अपना ट्रस्ट एक बार फिर खो दिया है, क्योंकि बिना जाने और बिना कन्फर्म किए नेशनल मीडिया ने इस पूरी खबर पर ना सिर्फ मोहर लगाई बल्कि पूरे पूरे दिन नेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें रिपीटेडली चलती रही। और इसमें खास बात यह है कि मीडिया के पास कोई भी रिसोर्स सबूत के तौर पर मौजूद नहीं था और इसी के चलते हाल फिलहाल दोबारा से चर्चाओं में पूनम पांडे बन गई हैं। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है और आप इस गंभीर बीमारी को लेकर, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।